सैलरी मांगेगा? फ्री में काम है ना पर। कौन सा फ्री में काम? पांच की जगह दो भी नहीं बता रहे, फ्री का कौन सा? क्यों? ये हो गया पंचर, पूरा खाली हो गया भाई। देखते हैं, मेरे को लगता है इसकी नलकी शर्की। कैसे लेता था? ऐसे खींच के निकालता था, ऐसे खींच के निकालता था। यार क्या बात है यार, कसम से यार, भाई बंदा था यार, लेकिन ये हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। दाना तक लोग तो कैसे सब लोग उम्मीद करते हैं सब बच्चे से होंगे। तो भाई हम सोए हुए अभी उठे, तो अभी सबसे पहले बाकी जिम ने सफाई कर ली और अब डालते हैं हम यूरिया। खोल दिया, चल पकड़ बाहर। चलो भाई निकल चुके हम लोग भी, अपना सफर कंटिन्यू। चलते हैं भाई आराम से, बहुत लेट तो चलो कोई मुश्किल नहीं। चलो भाई यूपी की भी टीपी हो गई और अभी हम निकलते हैं। ये रही सामने चेक पोस्ट थी भाई, यहाँ पे गाड़ी इनकी लगी हुई है। चाय वगैरह हमने पी ली थी सुबह और नाश्ता करेंगे, नाश्ता नहीं करेंगे आज, खाना अपना बनाएंगे। बंदा ओवरटेक किया इसने करके बोलता, ओए ओए आप। बंदा क्या देख रहा है कर के रहते। फ्री में काम है ना पर? कौन सा फ्री में काम? पांच की जगह दो भी नहीं बता रहे, फ्री का कौन सा? क्यों? बंदा बोल रहा है सैलरी 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 बढ़ाओ, पगार बढ़ाओ पगार। तू बता तेरे तेरे अभी तक का पीछे का हिसाब क्लियर है? मेरा तो मेरे लाभ से कोई सबूत है ना? क्या सबूत? मेरे पास बेटा सबूत है, एक एक चीज का, एक एक चीज का, एक एक चीज का सबूत है। तेरे अकाउंट में क्या डाले? जिसके अकाउंट में डाले वो डाले डाले में, वो टेंशन मत ले ले। तो एक काम कर, तो यहीं पे उतर जा, बस बात खत्म। फालतू की ड्रामा नहीं मेरे को चाहिए। पगार बढ़ाओ, पगार किस चीज की? पगार बढ़ाओ, पगार बढ़ाओ। मैं किस चीज की बढ़ाओ? गाड़ी चलाने की। गाड़ी कौन सी चलाई तूने? रात को मैंने चलाया। अच्छा, ये बंदा भाई बोलता है पगार बढ़ाओ मेरी, बंदे ने पैसे लेके बंदा बोलता है मेरे को पैसे कम। अभी बोल रहा था मेरे को मैं मांग ही नहीं रहा हूँ, मैं फ्री में रहूंगा। मांगने वाले दूसरे इसके घर वाले, तो भैया कहाँ से मांगे यार, पहले यहाँ एडवांस में मांगे। तो भाई जब हमारा टाइम होता था ना, हमें मतलब जब कंडक्टर ही करते थे तो हमें पता भी नहीं होता था कि भाई तनख्वाह क्या चीज़ है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अभी तो इसकी एक महीने की एडवांस चल रही है, तो बंदा बोल रहा है कि नहीं अभी और चाहिए। इतना थोड़ी होता है भाई साहब, ऐसा नहीं होता है। तो भाई इधर कितना जाम लगा हुआ है स्टूल पे। पता नहीं किस हिसाब से फास्ट टैग काट रहे हैं लोग। तो भाई अभी आ चुके हैं हम गोरखपुर बाईपास पे और अभी कहीं सब्जी लेते हैं। सब्जी कहीं ली नहीं भाई, पीछे मिली नहीं, तो अभी देखते हैं कोई सब्जी वगैरह लेके तो बनाते हैं खाना खाना पीना। आज खुद खाना बनाया यार, नहीं तो होटल पे खा खा के ना गैस हो गई है पेट में, ना गैस हो जाती है यार, पता नहीं क्या।
क्या बात है, जब भी होटल पे खाते ना सर, मैं दो तीन दिन लगातार अगर खा लिया तो गैस आना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए हम खुद बनाएंगे आज। भाई टोल पे तो अभी हमारा ये टायर आ गया है, पंचर पूरा खाली हो गया भाई, देखते हैं। मेरे को लगता है इसकी नलकी शलकी अंदर चली गई है, पूरा का पूरा खाली हो गया, ट्यूब ना डालनी पड़ जाए, देखते हैं अब क्या होता है। दोनों काम हो गए, ग्रीस भी होगी अपनी, वो टायर भी पंचर लग गया भाई, इसको अब करना पड़ गया बाहर, और इसमें ट्यूब डालनी पड़ेगी नई। चलो भाई चेंज भी हो गया, अंदर बाहर भी हो गया, कोई टेंशन नहीं, क्या कर सकते हैं भाई। तो अभी भाई मोटर मेरी ख़राब थी दूसरी डीजल वाली टंकी की, वो नहीं चली, तो वो उसको भी करते हैं बस वापस चेंज। तो भाई हम आ चुके हैं बस्ती, और भाई बंदे को जाना, ओए कौन सी हाईवे पे जाना, कौन से हाईवे पे जाना, कच्छ हाईवे में जा रहा बंदा भाई, कच्छ हाईवे में रिटायर हो रहा है यहाँ से, और जा रहा है बंदा कच्छ हाईवे में, बोलता है यार मैं अब कच्छ हाईवे की गाड़ी चलाऊँ, मैं किसी फार्म की गाड़ी, तगड़ी फार्म की गाड़ी चलाऊंगा, मैं छोटी मोटी की गाड़ी नहीं चलाऊंगा, जिसका ग्रीन कलर का कैबिन होगा और ब्लैक कलर की पीछे से बॉडी होगी वो चलाएगा भाई, मारो छोकरो ताजी हवा, खातो खातो राजकोट जाए छे, ऐसा ही है ना है? बंदा फोन पे फोन कर रहा, लेकिन बंदा इसका फोन नहीं था। तो चलो भाई हम भी पहुंच गए अभी अयोध्या में, और आगे जा रहा था इमरान, तो उसने बोला कि भाई मैं भी बस्ती पार कर चुका, लेकिन अभी तक मैंने उसको कॉल नहीं किया, अभी कॉल करते हैं भाई कहाँ पहुंचा। लखनऊ रह गए 178 किलोमीटर, 178 से 180 मान के चलो, तो अभी जाके आगे कहीं चाय वगैरह पीते हैं, तो चाय वगैरह पी के चल रहे हैं, क्योंकि भाई साथ में अपने गाड़ी कोई नहीं है, अकेले चल रहे हैं, अकेली गाड़ी है तो अकेले चल रहे हैं भाई, चलो कोई मुश्किल नहीं यार, अकेले भी चलना पड़ता है। आ चुके हैं अयोध्या से, जो पहला टोल आता है बस आने अयोध्या आने वाला है, तो चलो आगे जाके कहीं नहाते हैं ना, शाम को नहाएंगे, शाम को फिर मस्त मस्त ठंडे ठंडे एरिया चलेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेगा, थोड़ा थोड़ा पानी नहीं ज्यादा पानी डालेगा, थोड़ा थोड़ा पानी डालेगा। आज एक बात, सूर्य देखो, सूर्य बिल्कुल इतना नहीं निकला है, लेकिन आज रात को ना जो धुंध पड़ेगी ना वो देख लेना कितनी पड़ेगी, ये बात पक्की है, ये धुंध पड़नी है। तो भाई आ चुके हैं हम अयोध्या के अंदर, देखो भाई वेलकम लिखा हुआ है यहाँ पे, वेलकम यूट्यूब अयोध्या, वाले अभी चाचू भी भाई आगे खड़े हैं, वो भी सब के सब उनके वहां से ना उनके चेंज होने हैं, तो वो आगे खड़े हैं रामपुर में, मुरादाबाद, रामपुर मुरादाबाद में, तो अभी अभी एक आधा दिन वहां पे लगेगा, तब तक हम तो सुबह तक तो हम भी उनके पास पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह, आराम आराम से भी जाएंगे।
भाई अयोध्या में लग चुका है जाम, और जाम भी भाई काफी तगड़ा लगा, लंबा है भाई। गाड़ियां चल रही हैं, इतना है क्या बात की गाड़ियां धीरे धीरे चल रही हैं। कितना जाम लगा टोल पे ना, बाराबंकी वाला जो टोल है, आज इन दोनों टोलों पे ना जाम बहुत दिखा। तो भाई अभी भाई पुराना यार अपना मिला था इमरान, ये बहुत टाइम से, कितना टाइम घर में रहा? चार महीने भाई बंदा घर में रहा, आज आया। लेकिन आज बंदे ने ना कसम से यार बंदा छेद बना के मुंह पे रौनक आई है। तो ये बंदा जो है ना, ये बंदा, इस बंदे को देखो, इधर देखना उस्ताद। जब ये कंडक्टरी करता था ना, इसके कंडक्टरी के किस्से इतने तगड़े ना, इसके साथ ही देखो कैसे लेता था ऐसे खींच के निकालता, ऐसे खींच के निकालता। यार क्या बात है यार, कसम से यार भाई बंदा था यार। लेकिन ये क्या नंबर था उस गाड़ी का? 97 गाड़ी चला रहा भाई, कुल्लू मनाली। चलो भाई आज बंदू के साथ मिलके अच्छा लगा। ये ना रात के कल का मेरे को फोन कर रहा था, तो अभी मैं इसके पास पहुंचा, इसने यहाँ पे रुका हुआ था, मैं पीछे रुक गया था, मेरे दिमाग से ही निकल गई थी गाड़ी के कैंटर गाड़ी पे, क्योंकि कैंटर गाड़ी हो सके कहीं रास्ते में दिखी हो, लेकिन पता नहीं चला भाई, ध्यान नहीं दिया इतना। तो अभी इन्होंने लोकेशन भेजी थी मेरे को कि भाई मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मैंने बोला चलो ठीक है भाई, बाइक को मिल के जाते। ये भी अभी गाड़ी भी बाइक पक्की करके आया बंदा, लोडिंग करने के लिए जा रहा है। तो चलो हम भी थोड़ा इनके साथ बातचीत करके फिर हम भी निकल जाएंगे। तो भाई अभी हम आ चुके हैं गोरखपुर बाईपास, सॉरी लखनऊ बाईपास पे। ये आपकी बंगाली बस। हाँ दादा, क्या अच्छा दादा, ठीक अच्छा दादा। सीतापुर, तो अभी व्लॉग को भी कर देते हैं यहीं पे एंड। तो भाई व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, लव यू।